तो दोस्तों, मेरा नाम है राहुल। स्वागत है आपका टेक्निकल वर्क यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम फ्लूट स्विच का कनेक्शन करने वाले हैं। यहाँ पर फ्लूट स्विच में आपको तीन तार दिखाई दे, जिसमें एक ब्लू, ब्लैक और एक ब्राउन वायर है। कैसे कनेक्शन करना है इसके बारे में बताने वाला हूँ। सबसे पहले हम बात करते हैं, यहाँ पर अगर आपको किसी टैंक में से पानी खाली करना है, किसी गड्ढे या फिर सम पिट से पानी खाली करना है, तो इस केस में आपको तीनों वायर में से जो ब्राउन वायर और ब्लैक वायर है, इन दोनों वायर को कनेक्ट करना है, और जो ब्लू वाली वायर है इसको कनेक्ट नहीं करना है। तो यहाँ पर पानी खाली करने के केस में ब्राउन और ब्लैक वायर को ही कनेक्ट करना है। अब बात करते हैं, अगर आपको किसी टैंक में पानी भरना है तो उस केस में आपको क्या करना है। यहाँ पर जो ब्राउन वाली वायर है उसको कनेक्ट नहीं करना है, यहाँ पर ब्लू और ब्लैक वायर को कनेक्ट करना है। और यहाँ पर जो आपको ब्लैक वाली वायर दिखाई दे रही, कॉमन की वायर दिखाई दे रही, दोनों केस में ब्लैक वाली वायर कनेक्ट होगी। अब यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पर बल्ब होल्डर ले लिया है, और यहाँ पर एक एक्सटेंशन बोर्ड ले लिया सप्लाई को कनेक्ट करने के लिए। तो यहाँ पर देखिए, मैंने एक एक्सटेंशन बोर्ड ले लिया है, और इसी के साथ हमें एक टू कोर की वायर चाहिए ताकि हम यहाँ पर इसे कनेक्ट कर सकें सप्लाई से। यहाँ पर मैंने एग्जांपल के लिए बल्ब होल्डर ले रखा है ताकि आपको मैं इजी मेथड से समझा सकूँ कि कनेक्शन कैसे करना है, ताकि आपको आसानी समझ में आ सके। और यहाँ पर आपको दो वायर दिखाई दे रही, दोनों वायर को कैसे कनेक्ट करना है, मोटर की दोनों वायर को कैसे कनेक्ट करना है फ्लोट स्विच के साथ, तो यहाँ पर बताने वाला हूँ। तो चलिए अब कनेक्शन करते हैं। सबसे पहले आपको ये देखना है, जो मेन सप्लाई की वायर आई है मोटर की तरफ, उसमें से किसी भी एक वायर को मोटर की एक वायर से कनेक्ट कर देना है। जैसे कि मैंने ये बताया है, मोटर की एक वायर को मेन सप्लाई की किसी भी एक वायर से कनेक्ट कर देना है। देखिए, यहाँ पर मैंने कनेक्ट कर दिया है। इससे क्या होगा, मोटर को एक सप्लाई मिल जाएगी। अगर हम इस ब्लैक वाली वायर को न्यूट्रल मानते हैं तो यहाँ पर क्या है, मोटर को न्यूट्रल सप्लाई मिल जाएगी। अब यहाँ पर एक वायर हमारी मोटर की बच जाएगी और मेन सप्लाई की रह जाएगी। अब यहाँ पर हमारी मोटर की एक वायर रह जाएगी और मेन सप्लाई की एक वायर रह जाएगी। हमें यहाँ पर क्या करना है, जो मेन सप्लाई की जो दूसरी वायर बची हुई है उसे हमें फ्लोट स्विच के साथ कनेक्ट करना है। तो यहाँ पर जो फ्लोट स्विच के जो तीन वायर है, उसमें जो ब्लैक वाली वायर होती है कॉमन की होती है, आपको क्या करना है, यहाँ पर मेन सप्लाई की जो दूसरी वायर है उसे हमें यहाँ पर ब्लैक वाले वायर से कनेक्ट कर देना है। यहाँ पर जब हम इस मेन सप्लाई को कनेक्ट करेंगे तो क्या होगा, जो हमारी सप्लाई है वो फ्लोट स्विच में पहुँच जाएगी, और जो न्यूट्रल सप्लाई है वो हमने पहले से मोटर में डायरेक्ट कनेक्ट कर रखा है यहाँ पर, जैसे मैंने यहाँ पर करके दिखाया है। तो यहाँ पर देखिए, मैंने मेन सप्लाई की दूसरी वायर को यहाँ पर फ्लोट स्विच के ब्लैक वाले वायर से कनेक्ट कर दिया है। अब यहाँ पर जैसे मैंने बताया था, जब हमें किसी सम पिट से पानी खाली करना है, टैंक में से पानी खाली करना है, तो उस केस में हमें ब्लैक और ब्राउन वायर को कनेक्ट करना होता है। तो यहाँ पर जो मोटर की जो दूसरी वायर बची है उसे हमें क्या करना है, इस ब्राउन वाले वायर से कनेक्ट करना है। तो यहाँ पर जो बल्ब की जो वायर बची है इसे हम यहाँ पर कनेक्ट कर देते हैं। आपको क्या करना है, यहाँ पर मोटर की दूसरी वायर बची है उसे इस ब्राउन वाले वायर से कनेक्ट कर देना है, जो कि यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है इस फ्लोट स्विच की। तो यहाँ पर देखिए, मैंने इसे कनेक्ट कर दिया और यहाँ पर टेप लगा दिया। अब यहाँ पर जो ब्लू वाली वायर है, यहाँ पर इसकी ज़रूरत नहीं है, तो यहाँ पर हम इसे टेप लगा देंगे। देखिए, यहाँ पर इस पर टेप लगा दिया है। तो एक बार और देखते हैं, हमने क्या किया था, मेन सप्लाई की एक वायर को हमने मोटर की एक वायर से कनेक्ट किया था, यहाँ पर जो ब्लैक वाली हमने कनेक्ट किया न्यूट्रल सप्लाई के लिए। इसके बाद हमने क्या किया था, मेन सप्लाई की जो दूसरी वायर थी उसे हमने फ्लोट स्विच के ब्लैक वाले वायर से कनेक्ट किया था, और जो मोटर की जो दूसरी वायर थी रेड वाली उसे हमने ब्राउन वाले वायर्स के साथ कनेक्ट किया था। तो इस टाइप से हमें कनेक्शन करना है। तो चलिए अब इसकी मेन सप्लाई की वायर को कनेक्ट करके हम चेक कर लेते हैं। अब बात करते हैं, अगर आपके टैंक में सम पिट में या गड्ढे में पानी पहले से खाली रखा है, तो फ्लोट स्विच है इस टाइप से, इसका जो डायरेक्शन है वो नीचे की तरफ होगा, और जैसे जैसे उस सम पिट में या फिर टैंक में पानी भरने लगेगा, तो क्या है, फ्लोट स्विच पानी के फ्लो की वजह से क्या होगा, धीरे धीरे ऊपर की तरफ उठने लगेगी, और क्या है, यहाँ पर जो मोटर है वो इस टाइप से चल जाएगी। और जैसे जैसे हमारी जो मोटर है वो चलेगी, पानी खाली होने लगेगा सम पिट में से या गड्ढे में से, तो क्या है, इसका जो फ्लोट स्विच है फिर वो वापस नीचे की तरफ धीरे धीरे आने लगेगा, पानी खाली होते होते। फिर जब भी पानी इसमें भरेगा, फिर दोबारा इसका जो फ्लोट स्विच है वो इस टाइप से ऊपर उठने लगेगा पानी फ्लो की वजह से, और इसका इसकी जो मोटर है वो इस टाइप से चालू हो जाएगी, और जैसे ही पानी खाली होने लगेगा फ्लोट स्विच नीचे आ जाएगा, और जो मोटर हमारी ऑटोमेटिक बंद हो जाएगी। इस टाइप से ये वर्क करता है। अब बात करते हैं, अगर आपको किसी टैंक में पानी भरने के लिए यूज़ करना है इसे, तो उसके कनेक्शन के लिए हमें क्या करना है, यहाँ पर जो आपने यहाँ पर इस ब्राउन वाले वायर से कनेक्ट किया था वायर, हमें यहाँ पर इस वायर को यहाँ से निकाल देना है। तो यहाँ पर जो मैंने मोटर की जो दूसरी वायर को कनेक्ट करी थी, खाली उसी वायर को निकालना है, और यहाँ पर जो ब्लू वाली वायर पे हमने टेप लगा रखा था उसमें से निकाल देना है, और यहाँ पर जो ब्राउन वाली वायर है इसमें हमें कोई कनेक्शन नहीं देना है। देखिए, यहाँ पर मैंने टेप लगा दिया है, और यहाँ पर जो ब्लू वाली वायर है उसे हमें मोटर की दूसरी वायर से कनेक्ट करना है इस टाइप से। तो यहाँ पर मैंने इसे कनेक्ट कर दिया, यहाँ पर अच्छी तरह से टेप लगाए थे। पानी भरने के केस में हमें क्या करना होता है, जो ब्लैक वायर और ब्लू वायर को ही कनेक्ट करना होता है, जिसमें ब्लैक वाली वायर कॉमन की वायर होती है। तो यहाँ पर देखिए, मैंने इस टाइप से कनेक्शन कर दिया है, जैसे मैंने पहले कनेक्शन किया था सेम वैसे ही करना है, बस ध्यान ये देना है
ब्लू वायर और ब्लैक वायर को ही कनेक्ट करना है। अब यहाँ पर अगर आपके टैंक में पानी पहले से ही भरा है तो क्या है, जो उसका फ्लोट स्विच है वो ऊपर की तरफ होगा पानी के फ्लो की वजह से, और जैसे जैसे हमारा क्या है टैंक में पानी खाली होने लगेगा तो क्या है फ्लोट स्विच नीचे की तरफ आने लगेगा इस टाइप से, और जैसे नीचे आएगा हमारी जो मोटर है वो चालू हो जाएगी। इससे पता चल जाएगा जो हमारे टैंक में पानी खाली होने लगा है, और जैसे इसका फ्लोट स्विच ऊपर की तरफ आएगा तो क्या होगा, जो इसकी मोटर है वो बंद हो जाएगी और पानी का जो ओवरफ्लो है टैंक में वो नहीं होगा। जैसे नीचे आएगा और क्या है हमारी मोटर ऑटोमेटिक चालू होने लग जाएगी। इस टाइप से इसके कनेक्शन करने होते हैं दोस्तों। अगर फिर भी आपको इसके कनेक्शन करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इस बेल आइकन को प्रेस कर देना जिससे मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।